अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे वजू यानी एब्लूशन। तो वजू क्या है? तो वजू एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कुछ बॉडी पार्ट्स को वाटर से वॉश कर लेते हैं, यानी ये एक एक्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन है, यानी एक तहारत का जरिया है। अब हम वजू को जो है कुरान शरीफ की रोशनी में देखते हैं। तो वजू के बारे में जो है सूरह माईदा यानी सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, है वो लोगों जो ईमान लाए, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोनिया तक धो लो और अपने सर का मसाह कर लो और अपने पैरों को टखनों तक धो लो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि जब भी हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो हमें वजू कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं वजू का तरीका यानी स्टेप्स ऑफ एब्लूशन। पहला स्टेप है नीयत, यानी आपको नीयत करना है, आपको दिल में नीयत करनी है। सेकेंड स्टेप है कि बिस्मिल्लाह बोलना है, यानी हर काम जब हम करते हैं तो बिस्मिल्लाह बोलते हैं, तो वजू करने के पहले भी हमें बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हमें दोनों हाथों को वॉश कर लेना है तीन बार वॉश कर लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर हम एक या दो बार भी वॉश कर लेते हैं तो भी हमारा वजू जो है मुकम्मल हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक बार करने से भी जो है वजू हो जाता है। हाथ धोने में आप ये जरूर याद रखिए कि पूरे हाथ के साथ साथ रिस्ट ज्वाइंट भी इंक्लूड करना है, यानी थोड़ा ऊपर तक धोना है, सिर्फ हथेली तक नहीं धोना है, थोड़ा ऊपर भी इंक्लूड करना है। और दूसरा पॉइंट है कि पानी जो है वो उंगलियों के बीच में भी जाना चाहिए। अब फोर्थ स्टेप है कुल्ली करना। कुल्ली जो है अच्छे से करना है, सिर्फ मुंह में पानी लेकर आपको थूक देना नहीं है, बल्कि पूरे अच्छे से अंदर की गंदगी निकल जानी चाहिए और मुंह साफ रहना चाहिए। फिफ्थ स्टेप है नाक साफ करना। इसमें ये जरूर याद रखिए कि नाक सिर्फ आपको टच करके हटा नहीं देना है, बल्कि पानी को पूरा अंदर तक डाल के अच्छे से नाक साफ करना है। और इसके लिए आप राइट हैंड से जो है पानी डालेंगे और लेफ्ट हैंड से जो है आप साफ कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपका रोजा है तो बहुत ज्यादा अंदर तक पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब आपको फेस अच्छे से 3 बार वॉश करना है। तो आपको पेशानी के बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहां से लेकर नीचे गर्दन जहाँ शुरू होती है वहां तक और एक कान से लेके दूसरे कान तक, यानी पूरा एरिया जो है 3 बार अच्छे से साफ करना है। इसमें बस चिन तक नहीं बल्कि नेक जहाँ से शुरू होता है वहां तक साफ कर लेना है। तो ये एरिया अच्छे से 3 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद 3 बार जो है पूरे हाथ को वॉश करना है। और ये याद रखिए कि कोनी का पार्ट और उसके ऊपर थोड़ा सा भी पार्ट इंक्लूड कर लेना है, सिर्फ कोनियों तक वॉश करके छोड़ नहीं देना है बल्कि थोड़ा सा ऊपर तक भी धो लेना है। तो पहले राइट हैंड लेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड, ये 3-3 बार करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है सर का मसा। इसके लिए आपको दोनों हाथ पहले भिगा लेना है, उसके बाद आप पेशानी के बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से लेके पूरा पीछे तक जाना है और उसी तरह पीछे से सामने जो है आना है। उसके बाद आपको दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी शहादत वाली उंगली दोनों साइड के कान में डालकर इस तरह से जो है आपको साफ कर लेना है अंदर से बाहर इस तरह से, और कान के पीछे दोनों थंब यानी अंगूठे से साफ कर लेना है। तो ये पूरा हो गया सर के मसाह में इंक्लूड। अब लास्ट स्टेप है कि दोनों पैरों को वॉश कर लेना है, पहले राइट और फिर बाद में लेफ्ट। तो इसमें याद रखिए कि इसमें एंकल ज्वाइंट यानी टखने के ऊपर तक पानी से आपको वॉश करना है और कोई भी एरिया जो है वो सूखा नहीं रहना चाहिए, और पैर की उंगलियों के बीच भी पानी से वॉश कर लेना है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर जो है उससे फिंगर्स के बीच में पूरा वॉश कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट जो है वो सूखा ना रहे। तो ये हमने देखा वजू का मुकम्मल तरीका यानी स्टेप्स ऑफ एब्लूशन। हम देखते हैं कि वजू किस चीजों से टूटता है। तो पहला पॉइंट है कि शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट से कुछ भी निकलना, यानी वो सामने का पार्ट हो या पीछे वाला पार्ट हो, तो उसमें आता है कि अगर गैस पास हो गई या यूरिन यानी या फिर मोशन या और कभी कभी बीमारी में जो है वर्म्स पास होते हैं तो उससे भी वजू टूट जाता है, या फिर किसी को बहुत ज्यादा स्टोन की वगैरह प्रॉब्लम है तो उनको भी स्टोन पास होता है यूरिन की जगह से, तो इन सारी चीजों से जो है वजू टूट जाता है। दूसरा पॉइंट है कि गहरी नींद। तो जब आप लेटते हैं और लेटकर आपको नींद लग जाती है इसमें आपका वजू टूट जाता है, लेकिन कभी कभी देखिए हम बैठे बैठे भी नींद की झलकी लग जाती है तो इसमें वजू नहीं टूटता है, लेकिन गहरी नींद जब अगर आप लेटकर सो जाते हैं तो उसमें जो है वजू टूट जाता है। तीसरा पॉइंट है बेहोशी के हालत में।
या नशे की हालत में, यानी जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तब वजू जो है टूट जाता है। चौथा पॉइंट है कि शर्मगाह को हाथ लगाना, यानी प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाना। मतलब कैसे कि डायरेक्टली हाथ लगाना, अगर कोई कपड़ा है उसके ऊपर से अगर हाथ जाता है कभी तो इससे वजू नहीं टूटता है, लेकिन डायरेक्टली हाथ लगा रहे हैं चाहे वो सामने हो या पीछे हो तो आपका वजू टूट जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कैमल यानी ऊंट का गोश्त खा लेने से वजू टूट जाता है। तो जब भी आप ऊंट का गोश्त खाते हैं तो उसके बाद आपको वजू करना जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट है कि इस्तेहादा का ब्लड यानी जो इरेगुलर स्पॉटिंग होती है उसका जब ब्लड आता है तो वो ब्लड को आप अच्छे से साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद आपको वजू कर लेना है। तो ये देखे हमने सिक्स पॉइंट जिसमें जो है वजू टूट जाता है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसमें हमें लगता है कि वजू जो है टूट गया है लेकिन वजू नहीं टूटता। तो उसमें पहला पॉइंट है कि खिलखिलाकर हंसने से वजू नहीं टूटता है। दूसरा पॉइंट है कि पेट में जब गुड़गुड़ करता है तो हमें लगता है कि वजू टूट गया होगा लेकिन वजू नहीं टूटता है। जब तक कि गैस पास ना हो जाए यानी आवाज स्मेल ना आ जाए तब तक कि वजू नहीं टूटता है। पॉइंट है कि उल्टी करने से यानी मुंह भरकर उल्टी करो या फिर आप उल्टी करते हैं जब, उसमें जो है वजू नहीं टूटता है। फोर्थ पॉइंट है कि समझिए अगर आप गिर गए या आपको कभी मार लग गया तो जब ब्लड या पीप निकलता है उस जख्म से तो भी आपका वजू जो है नहीं टूटता है। तो ये चार कॉमन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा जिसमें वधू नहीं टूटता है। तो आज के टॉपिक में यानी वधू के टॉपिक में हमने देखा कि वधू क्या है और इसका मुकम्मल तरीका, और हमने देखा कि वधू चीजों से टूटता है और किन चीजों से नहीं टूटता। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, इंशाल्लाह मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।